डियर स्टूडेंट्स आज के मोड्यूल में हम सीलिया और दूसरे पैली कलर स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे सीलिया सीलिया जो है नॉर्मली ये भी लोकोमोट्री ऑर्गेनालिज हैं और ये फ्लेजला से सिमिलर है लेकिन डिफ्रेंस क्या है कि फ्लेजला जो है दैट इज़ लॉन्गर इन साइज और सीलिया जो हैं दे आर स्मॉलर इन साइज सीलिया जो हैं ये एनिमल की पूरी बॉडी के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और जो सीलिया की वजह से प्रोटोजोआ में लोकोमोशन होती है उसको हम कहते हैं सिलियरी मूवमेंट और सीलियरी मूवमेंट जो हैं वाटर आके क्रॉस करता है और उससे सिलिया बीट करते हैं एनिमल जो है फिर आगे की तरफ मूव करता है ज़्यादातर सिलियट्स जो हैं इनकी बीटिंग होगी एक दूसरे के साथ ये बीट करते हुए एनिमल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे सिलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है और इसमें इनका साइज जो है वो रेंज करता है 11 से लेके 12 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ एंड अबाउट 0.27 पॉइंट टू सेवन माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। अब सिलिया जो है ये नॉर्मली कहाँ से अरइज़ होंगे सिलिया जो है वो बॉडी सरफेस से अरइज़ होते हैं बॉडी सरफेस के अंदर बेसल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं जहाँ से सिलिया की ओरिजिनेशन होगी और जो सिंगल सीलिया होगा उसको हम कहेंगे सीलियम सीलियम जो है दे आर आल्सो बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सीलियम में उसकी बेस पे एक कोर है मसल्स की मौजूद जिसको हम कहेंगे एक्जोनीम एग्जोनीम्स जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होंगे और माइक्रो ट्यूब्यूल्स का नाइन प्लस टू की फॉर्म में स्ट्रक्चर मौजूद है जो दो सिंगल सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्स होंगे दे आर नॉर्मली सराउंडेड बाय आ शीथ नेक्सन और रेडियल स्पोक्स जो हैं दे प्रोवाइड एलस्टिक कनेक्शन बिटवीन माइक्रोट्यूल्स और इसके अंदर जो डबल सेंट्रल शीथ दैट इज़ आल्सो क्वाइट एविडेंट इन सीलिएट्स इनका फंक्शन क्या है लाइक अदर लोकोमोटरी ऑर्गेनालिस फूड कैप्चरिंग एंड लोकोमोशन और बेसल बॉडीज़ जिसको हम कहेंगे कानीटोसोम्स दे आर प्रेजेंट एडज टू दीलिया और मुख्तलिफ सीलिया की जो बेसल बॉडीज़ हैं दे आर इंटरकोनेक्टिड और इंटरकोनेक्ट की इंटरकोनेक्शन uh, होने की वजह से ये सीलिया जो है नॉर्मली वाइब्रेशन या मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूसली शो करेंगे यहाँ पे आप देखें सीलिया और दूसरे पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स दे आर क्वाइट एविडेंट अब सीलिया में आप सबसे पहले बेसल बॉडी देखें बेसल बॉडी के अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स अगर उसके ऊपर आप टॉप पे आ जाएं तो यहाँ पर जो हमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स अब यहाँ पे आप देखें सेंट्रल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रल ब्रिज सबसे जो आउटर लेयर है दिस इज़ प्लाज्मा मैंग्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप देखें तो आउटर डायनिन इनर डायनिन नेक्सिन इज द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू माइक्रोट्यूब्यूल्स और हर एक माइक्रो ट्यूब्यूल्स का एक स्पोक हेड होगा और एक रेडियल स्पोक है दैर फिर सब फाइबर ए सब फाइबर बी तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सीलिया दैट आर प्रेजेंट इन क्लास सीलिएट्स और जो दूसरे पेलिकुलर स्ट्रक्चर हैं उनका भी आम तौर पर सेम ट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होगी और माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या हैं इनकी वजह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी और एनिमल के अंदर मूवमेंट जो है वो शो होगी सीलिया और दूसरे पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स में जिस क्लास में ये प्रेजेंट हैं प्रोटोजोआ की उस क्लास को हम कहते हैं सिलिएट्स सिलिएट्स जो हैं ये जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेंगी दे मे आल्सो फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे सराय और सराय जो है दीज़ आर यूजअली यूज इन लोकोमोशन नॉर्मली जो है सिलिया के अंदर नंबर जो है एज़ कंपेयर टू फ्लेजेला और सोडोपोडिया सिलिया का नंबर बहुत ज़्यादा होगा टेन थाउजेंड से ले कर फोटीन थाउजेंड तक सिलिया जो हैं वो एनिमल की आउटर सरफेस पर अपने आप को अरेंज करते हैं और इनकी अरेंजमेंट जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मिटी अनदर जो पेली कलर स्ट्रक्चर हैं सीलिया के अलावा उनको हम कहते हैं ट्राइकोसिस ट्राइकोसिस जो हैं मूवमेंट करने के अलावा ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होंगे प्रोटेक्शन का मतलब है एनिमल जो है दैट इज़ लिविंग इन वाटर जब भी एनिमल की बॉडी को डेंजर फील होता है तो ट्राइकोसिस जो हैं दे आर नॉर्मली एजेक्टेड आउट उससे एनिमल अपनी प्रोटेक्शन जो है वो कर लेंगे दूसरे जो एनिमल स्ट्रॉगर है या जो इनको खाना चाहते हैं या वहाँ पर आ, कोई भी टॉक्सिन मौजूद है तो एनिमल वहाँ से फिर अपनी मूवमेंट शो कर लेंगे इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं पैरामीशियम के अंदर जिनको हम कहेंगे सीलिया जो हैं गॉफ ट्री की शक्ल में अपने आप को अरेंज करेंगे पेलिकल आउटर बॉडी स्ट्रक्चर पैरामीशियम के अंदर भी ट्राइकोसिस को रिलीज़ करेगा और ये ट्राइकोसिस जो हैं दे आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर विद द हेल्प ऑफ स्टिकी हेड्स इस डायग्राम के अंदर अभी जो हमने बातें की दे आर क्वाइट एविडेंट दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए पैरामिशियम पैरामिशियम के आउटर साइड्स पर आप देखें डिस्चार्ज ट्राइकोसिस दिस इज ऑल द सीलियम दैट इज़ कवरिंग द बॉडी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इनसाइड प्रेजेंट है दिस इज डिस्चार्ज ट्राइकोसिस और माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स अब ये सारे के सारे सीलिया जो हैं वो भीट करेंगे एनिमल की बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगे और ट्राइकोसिस तब डिस्चार्ज होंगे व्हेन द बॉडी इज़ इन डेंजर अब यहाँ पर आप देखें ये तो पूरी सिलिया ने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है लेकिन अगर हम एक सिलियम का टिपिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसकी टॉप के ऊपर ये कैप मौजूद है अंदर जो फ्लूड है उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये कह ये कहलाएगा शेफ्ट अब कोई भी स्पाइक या टिप लाइक स्ट्रक्चर है टिपिकल एक सीलियम कल वैसे देखने में हमें नज़र नहीं आएगा लेकिन अगर इसकी फर्दर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज लाइक शेफ्ट मैट्रिक्स और कैप तो सीलिया और पेलिकुलर स्ट्रक्चर ये फाइलम प्रोटोजोआ में क्लास सिलियट्स का प्रोमिनेंट फीचर भी हैं और उनका लोकोमोट्री स्ट्रक्चर्स भी हैं